हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अमेजोन टॉप्स हॉल। तो अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने एक टॉप हॉल किया था अमेजोन से, काफ़ी पसंद आया था। आपको अगर नहीं देखा हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन ये सेकेंड पार्ट में कर रही हूँ और ये थोड़ा समर अप्रोप्रिएट है क्योंकि समर सीजन आ चुका है। वो सारे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक अंडर 500 ये हॉल होने वाला है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन से टॉप खरीदे हैं अमेजोन से, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और सबके इंडिविजुअल लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको ख़रीदना हो तो वो भी खरीद सकते हैं आप वहाँ से जाके। एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर देना। ओके, सो फर्स्ट टॉप इज दिस मस्टर्ड कलर का पोल्का डॉट टॉप, जिसपे की व्हाइट कलर के पोल्का डॉट्स बने हुए हैं। ये रैप अप वाला टॉप है। आप ट्राई ऑन पार्ट में देख लेना कि किस तरीके से मैंने इसको कैरी किया है। इट इज फ्रॉम हरपा और हरपा काफी अच्छी ब्रांड है। इसकी डोरी आती है वो आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग बांध सकते हैं। ओवरऑल काफी स्मार्ट लगता है ये वाला टॉप जब भी आप पहनते हो, और मुझे लगता है ये ऑफिस के पर्पज से भी काफी अच्छा है, साथ ही साथ में ये कॉलेज के पर्पज से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी जो स्लीव्स हैं उस पर ये रफल्स बने हुए हैं, और इस टॉप की खास बात यही है कि इस टॉप का जो लुक आता है ना वो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसके अंदर कोई भी इनर आप ज़रूर पहने, क्योंकि ये थोड़ा गला जो है वो डीप हो सकता है, तो जस्ट फॉर सेफ्टी आप अंदर कुछ पहन लीजिए इनर, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। नेक्स्ट है एक ऑफ शोल्डर टॉप। तो अगर आपको ऑफ शोल्डर टॉप बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए है ये इज दी पिंक टॉप, और ये है कुछ इस तरीके से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्लेन ऑफ शोल्डर टॉप है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आप ऑफ शोल्डर पहन सकते हैं टॉप तो ज़रूर ये वाला ट्राई करना। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, मैंने पिंक कलर लिया और ये बेरी लश ब्रांड से है। नेक्स्ट टॉप है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये एक टी शर्ट टॉप है। आप टी शर्ट भी कह सकते हो, इसे टॉप भी कह सकते हो, और ये प्योर कॉटन है। तो कॉटन वाले जो फैब्रिक होते हैं वो समर सीजन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये टॉप मैं आपको बता रही हूँ। इसके फ्रंट पे और इसके पीछे भी पूरे टॉप पे आपको इस तरीके के फंकी प्रिंट्स मिल जाएंगे, ये जो कार्टून बने हुए हैं, इसकी वजह से ये वाली जो टी शर्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप इसे कॉलेज में कैजुअली वियर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वर्सेटाइल होते हैं ऐसे टॉप, और आप कैसे भी वियर कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इनका, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट टॉप जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी टॉप है गाइस, क्योंकि सबसे पहले तो आप इसका कलर देखो, बहुत ही सुंदर सा पेस्टल पिंक कलर है, और इसके फैब्रिक पे कुछ इस तरीके के टेक्सचर बना हुआ है। इसके स्लीव्स हैं इस तरीके से फुल, और इसका फ्रंट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, और ये थोड़ा स्क्वायर नेक में आ जाता है। पीछे से आपको इस तरीके से इलास्टिक मिलेगी। ये सबसे स्मॉल साइज था, थोड़ा सा मुझे ढीला आया, अगर आप मेरी तरह है ना स्किनी तो थोड़ा सा आपको नीचे से ढीला आ सकता है। इसमें दो कलर अवेलेबल थे, वो वाला भी बहुत ज़्यादा प्रिटी कलर था, लेकिन मैंने ये खरीदा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। नेक्स्ट जो टॉप है मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, वो है ये टाई डाई टॉप। देखो कितना ज़्यादा सुंदर वाला टॉप है ये, और इस पर जो ये कलर है ना ये इसको बहुत ज़्यादा खास बनाते हैं। इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है बेब, लेकिन आप कुछ भी लिखा होता मैं इसे खरीद लेती, क्योंकि टॉप पे जो जितने भी कलर है ना, ये नियोन वाला कलर जो आपको दिख रहा होगा, ये नियोन पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, सारे कलर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इस टॉप पे, थोड़ा अलग फंकी लुक देता है। आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, एक जस्ट कैजुअल स्किनी जीन्स पहन लो, या फिर आप फ्लेयर जीन्स पहन लो और ये पहन लो, और साथ में आप शूज़ पहन लो, बस दैट्स इट। थोड़ा कैजुअल लुक हो गया आपका, स्लिंग बैग डाल लो, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगेन ये जून बेरी से है, जून बेरी के ऐसे टॉप्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट टॉप है अगेन पिंक कलर का टॉप, थोड़ा सा अलग टॉप है, यू कैन सी। ये मेरे लिए, क्योंकि मेरा बस्ट एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, उसके लिए ये थोड़ा सा मुझे लूज लगा और कंफर्टेबल नहीं लगा पहनने में। तो अगर आप मेरे जैसे स्किनी हो तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा, या फिर आपको ऑल्टर कराना पड़ेगा। इसका सबसे छोटा साइज ही मैंने लिया है और ये स्मॉल साइज है। नीचे की तरफ इस तरीके से इन्होंने लेस दी हुई है, लेस तो बड़ी प्यारी
प्यारी लग रही है, कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन जो इसकी ये वाली जो स्लीव्स है ना, ये मेरे यहाँ तक आती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता है पहनने में, जो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं रहता है। थोड़ा सा ना ये इसकी जो स्लीव्स हैं वो आप छोटी करोगे ना, आप नॉट बांध लो, छोटी कर लोगे तो थोड़ा सही आएगा, तो आपका जो नेक है वो बिल्कुल इतना डीप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ये जुगाड़ करके देखा है। नेक्स्ट टॉप जो है वो इस समर सीजन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये एक फ्लोरल टॉप है, फ्लोरल डिज़ाइन का, एंड यू कैन सी स्काई ब्लू कलर का ये टॉप है, और इसके ऊपर ये रोज बने हुए हैं पिंक कलर के और ग्रीन कलर की हरी पत्तियाँ, जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। इसका जो डिफरेंट पार्ट ना ये है, ये इसे आप ऑफ शोल्डर की तरह भी पहन सकते हैं, और वरना इसकी जो स्लीव्स हैं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, और इस तरीके का गला है, स्वीट हार्ट नेक जिसे आप बोलते हैं, और पीछे से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पीछे से आपको ये नॉट जो है वो टाई अप करनी पड़ेगी। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, कॉटन मटीरियल है और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके से हैं, यू कैन सी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सेक्सी भी लुक लगता है इसको पहनने के बाद। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉप जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ठीक है गाइस, वो ब्लैक कलर का टॉप है, कुछ स्लीव्स इसकी कुछ इस तरीके से हैं, इसके स्लीव्स के एंड पे ये इलास्टिक दी हुई है, ये भी रैप अप वाला टॉप है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, प्लस इसका जो कपड़ा है वो कॉटन का नहीं है, पॉलिस्टर है, तो इस वाले कपड़े में गर्मी लग सकती है, और साथ ही साथ में ये इसकी नेक पे आता है कुछ इस तरीके से, आप ट्राई ऑन पार्ट में देख लेंगे। इसका प्राइस भी बहुत कम है, सबसे लोएस्ट प्राइस है इस हॉल में इस टॉप का, तो प्राइस के हिसाब से ठीक लगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आपको लगा कैसा हॉल मेरा, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट कौन सा था इसमें प्लीज़, और ये भी बताना नेक्स्ट हॉल आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी आप प्लीज़ बता दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हो, इससे मुझे भी हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी, और आपको भी हेल्प मिल जाएगी आगे जब मैं हॉल लेके आऊँगी। और ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।